अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हिना। आज हम देखेंगे कि प्री मिक्स से किस तरह से परफेक्ट केक बनाना है। तो उसके लिए मैंने 2 कप, जो नाप होता है कप का, वो वैनिला प्री मिक्स ले लिया है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल आप नॉर्मल जो हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो ऑयल ले सकते हैं। 1 कप पानी ले लेना है और सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। बहुत इजी और झटपट हमारा केक बनके रेडी हो जाता है। अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब मैंने यहाँ पे जिसमें कंटेनर में हमें बेक करना है केक को, उसे बटर पेपर लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इस कंटेनर में हम जो हमारा मिक्सचर बनाया था प्री मिक्स का, उसको डाल देंगे। अच्छे से सब तरफ इक्वली होना चाहिए मिक्सचर। अब मैं इसे टैप करूंगी ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। ठीक है, अब मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा नमक डाल दिया है नीचे और एक कटोरी उल्टी रख दी है, और उसे 10 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पे प्रीहीट कर लेना है। ये हमारा बर्तन प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसमें हमारा केक का मिक्सचर जो कंटेनर में डाला था वो रख दूंगी। ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसे 30 मिनट के लिए कुक करना है, और बीच में आप खोल के इसे बिल्कुल चेक ना करें। 30 मिनट के बाद ही इसे खोलिए। इस तरह छुरी डाल के 30 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ उसको, और छुरी बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारा केक बनकर रेडी है। देखिए कितना इजीली ये कंटेनर के बाहर आ गया है बटर पेपर की वजह से। बटर पेपर पे अच्छी तरह से चारों तरफ से ऑयल लगा देना है ताकि वो आराम से केक को छोड़ दे। देखिए यहाँ मैंने बटर पेपर निकाल दिया है, और अब टॉप पार्ट जो उभरा हुआ होता है वो थोड़ा सा मैं कट करके साइड में निकाल दूंगी और इसकी लेयर्स कट कर लूंगी। लेयर्स कट करने के लिए छुरी से मैंने बस निशान बना लिया था, और अब इसमें धागा डाल के बस उसे आराम से खींच लेना है, तो हमारी लेयर्स एकदम परफेक्ट बनती है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। बस आराम से बस धागा सीधा ही खींचना है। देखिए काटने के बाद हमारा केक कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। अब आप इस केक को कैसे भी अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।